अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, पता नहीं कांग्रेस क्यों परेशान, साफ सुथरे लोगों का सम्मान कभी कमलनाथ जी आपने किया है? दिग्विजय सिंह ने किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रावत परिवार को बहुत वर्षों से जानता हूं और सुख और दुख का साथी भी रहा। कांग्रेस में से विचारधाराओं का विरोध, इन व्यक्तिगत रूप से उन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। सहज सरल सादगी की प्रतिमूर्ति, सज्जनता, सेवा का भाव, सुलोचना जी का और परिवार का स्वभाव रहा है। मिसाल नौजवानों में काम कर रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अध्यक्ष जी ने, नागर सिंह जी ने ठीक कहा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उस पूरे क्षेत्र में और आदिवासी बहन और भाइयों में निश्चित तौर पर बढ़ेगी। उनका इस परिवार में हृदय से स्वागत करता। कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई? अब आप बिकाऊ की बात करते हो, बल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो भाई। शर्म नहीं आती ये कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं, और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उड़ाने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहा। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके ढाई ढाई साल, और हमें दोष दे रहा। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया। अब वो ही कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूं। ये बात कर रही कांग्रेस, पहले ट्राइबल बेल्ट में कई तरह की गलत फहमियां पैदा की, आज हमारा नेतृत्व में यहां बैठा है नागर सिंह, यहां बैठे हुए सुलोचना जी, यहां बैठी हुई है। कांग्रेस ने कभी सड़कें दी अभी राज्य में? कभी बिजली की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, आश्रमशाला छात्रावास खोली? अरे नर्मदा जी का पानी भी आदिवासियों के खेत में लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, कोई उपलब्धि तो बता दे कांग्रेस। जिला बनाया अलीराजपुर को, इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब हो ट्राइबल हो, समाज का कोई भी वर्ग, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। और जब हमको लगा तो कुछ योजनाओं की और जरूरत, हमने अगर राशन आपके द्वारा योजना बनाई तो आपको क्यों तकलीफ हो रही? अगर हमने तय किया कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट को होती है उसका चेकअप करके निःशुल्क इलाज करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया कि आदिवासियों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर हमने तय किया हमारा पैसा एक्ट है क्रमशः उसको हम लागू करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर बैकलॉग की भर्ती हमने करने का फैसला किया, आपको क्यों तकलीफ है? अगर जेई मेंस में और नीट की परीक्षा में ट्राइबल बेटा बेटियों को कोचिंग देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? हम काहे की सरकार में है, लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम तोड़ने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग। समाज के हर वर्ग का कल्याण,
भगवान उन कामों से प्रभावित हो गए। अगर सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में आती है, विशाल और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। अब आपकी तकलीफ आपके पास रहे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से सुलोचना जी का, विशाल का और सारे साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप जाने से पार्टी और मजबूत होगी और हम मिलकर उस क्षेत्र के विकास के भी काम करेंगे, पहले भी किया है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। विकास के दौर में जो भाई बहन पीछे रह गए उनको आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।